हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको ये घर दिखाने जा रहा हूँ। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो नेशनल हाईवे से करेंगे, तो चलिए चलते हैं। ये हमारा लुधियाना हाईवे है और जो पीछे से जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है अपना चंडीगढ़ से। फ्लाईओवर आप जैसे ही डाउन होंगे लेफ्ट को टर्न लोगे लुधियाना की तरफ, वहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैंने अपने ऑफिस से स्टार्ट किया है, इसी चौक पे जो खानपुर चौक है यहीं पे हमारा बिल्डर ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस। तो चलिए चलते हैं। ये अपना नेशनल हाईवे है, रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे जो ऑलरेडी डेवलप्ड सोसाइटी है उसका नाम है ओमेगा, अपना एक ओंकार सिटी, और एवेन्यू मॉडर्न वैली, ये चार पांच सोसाइटी हैं। ये फुली डेवलप्ड है ओनली नेशनल हाईवे पे। यहाँ पे आप लेफ्ट की तरफ देखोगे तो ये हमने ओमेगा क्रॉस किया है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, फ्लैट्स बनाते हैं नॉर्मली। ये अपना और आ गया, यहाँ से टोल प्लाजा पड़ता है इस जगह से पूरा 500 मीटर, और फुली डेवलप्ड एरिया है, एमसी के अंडर है। मोर देन 60% ये एरिया कवर हो चुका है आज के टाइम पे। यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का आपको बहुत एक अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आपकी नेशनल हाईवे पे है। ये आपका यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है, अगर आप चंडीगढ़ से कभी आते हो यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा। ये देखिए, मैं लेके चलता हूँ अभी आपको यू टर्न। देखिए आप सामने आपके टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा से पहले यहाँ से आपने यू टर्न ले लेना है। आप राइट में सामने देख रहे हो, वो जीबीपी का प्रोजेक्ट है। ये हमने राइट टर्न ले लिया, यू टर्न। यहाँ से जो हमारा चंडीगढ़ है, इस लोकेशन से हमारा चंडीगढ़ पड़ता है सिर्फ 14 किलोमीटर एग्जैक्ट। मैं आपको 43% का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है। लुधियाना यहाँ से पड़ता है 72 किलोमीटर बैक की तरफ। यहाँ पे आते ही हमने स्लिप रोड ले लेना है, हमने थोड़ा लेफ्ट की तरफ टर्न ले लेना है। ये हम हो गए लेफ्ट की तरफ, ये स्लिप रोड है, और ये सोसाइटी हमारी आ जाती है एक ओंकार सिटी के नाम से। ये यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में जो है हमारा यहाँ पे कमर्शियल है। आप हमारे मेरे जो राइट में हाईवे के क्रॉस करके देखोगे तो ये और एवेन्यू है। ये हम यहाँ से हमने लेफ्ट ले लेना है, हम लेफ्ट लेते हैं। ये हमारा आ जाता है एंट्रेंस। देखिए आप भी इतनी वीडियोस यूट्यूब पे देखते होंगे, कोई भी आपको एग्जैक्ट लोकेशन, कोई भी, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, बट ठीक है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, बट ये हमारी अपना प्रोजेक्ट है, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम अदर बिल्डर का कुछ भी नहीं सेल करते हैं। ये यहाँ पे ये जो लाइन देख रहे हो ये 35 फीट वाइड है ये रोड। यहाँ पे लेफ्ट में है फ्लैट्स बने हुए, राइट में है सारे इंडिपेंडेंट हाउसेस है, और मोस्टली 70% सोसाइटी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। मोर देन 70 फैमिलीज यहाँ ऑलरेडी रहने लग गई हैं। चलो हम आगे चलते हैं। ये जो राइट में आप मेरे पार्क देख रहे हो ये है 45 फीट बाय 270 फीट, 45 बाय 270 का ये पार्क है। सीवरेज अवेलेबल है, बैंक लोन अवेलेबल है। देखिए बिल्कुल नेशनल हाईवे पे है, आप कभी भी डायरेक्ट भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं और मेरा पार्टनर जो हाउसेज में आपको दिखाऊंगा, हम दोनों में से कोई भी आपको मीट कर सकता है।
जो लोग अभी आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि ऑलरेडी अंडर डेवलप सोसाइटी है, 2 साल में ये बिल्कुल फुल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आज से 2 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, लैंड हुआ करती थी। ये पार्क हमारा, ये जो आप मेरे सामने जो घर देख रहे हैं, ये ऑलरेडी सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये हमारे नहीं हैं, अदर बिल्डर के हैं, बट ये सोल्ड आउट है। इस सोसाइटी में मोस्टली 5-6 बिल्डर वर्क कर रहे हैं। सबने अपने अपने प्लॉट लिए, जैसे हमने लिए ऐसे ही दूसरे बिल्डर्स ने लिए, सबका काम अलग अलग है। ये यहाँ तक रोड बनी हुई है, इसके बाद क्योंकि काम आगे ज़्यादा था, हैवी लोडेड ट्रक आते थे, तो हमने रोड नहीं बनवाई, बट विद इन 1 मंथ में हम रोड कंप्लीट कर लेंगे। टाइल्स वगैरह आई हुई हैं, सारा कुछ हो रखा है। सीवरेज हो रखा है, गवर्नमेंट का पानी है, 3 टाइम पानी आता है। चलो भाई ठीक है, हमारे हाउसेस पे लोन अवेलेबल है किसी भी बैंक से। SBI बैंक से लोन लेना चाहते हो, SBI बैंक से लोन मिलेगा, जिस मर्जी बैंक से लोन ले सकते हो, क्योंकि अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ये आगे हमारे हाउस, दोनों साइड ये हमारे हाउस है, 10 प्लॉट है इस वाली लाइन में, और जो पीछे वाली लाइन है उसमें 8 प्लॉट हमारे और अवेलेबल है। आप हमसे घर बनवा भी सकते हैं, अगर आपको आपके माइंड में कोई घर का कोई थिंकिंग चल रही है तो आप इजीली हमसे बनवा भी सकते हैं, हम बना के भी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास प्लॉट्स अभी अवेलेबल है। ये हमारे जो सामने वाली लाइन देख रहे हो, ये सारी 108 गज में है, और जो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड है वो हमारी ये वाली लेफ्ट में, ये हमारी 109 गज की लाइन है। आप आइए, हमारा काम देखिए, आप कहीं से भी हैं, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है एक घर लेने में। घर लेने में आपको ये हेल्प हो जाती है, अगर आप पूरा घर लेते हो, ग्राउंड फ्लोर में आप खुद रह सकते हो, और टॉप फ्लोर जो होते हैं वो रेंट पे चढ़ा सकते हो। इसका ये बेनिफिट है, आपने एक घर लिया, उसकी आप घर में जो पे करने वाली जो आपकी EMI आती है पूरे घर पे, वो कुछ हद तक ऊपर वाले फ्लोर से हेल्प आउट हो जाती है एज ए रेंटल इनकम। मान लो आपकी जो EMI है 35,000 की है, तो ईजिली आप ऊपर के रेंट से 15,000 पर फ्लोर से आप इजिली गेट कर सकते हो। अगर आप इसी जगह एक फ्लैट लेते हो तो उसमें आप इतना रिकवर नहीं कर सकते, या तो आपको उसको प्रॉपर रेंट पे देना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपनी जेब से उसका पे करना पड़ेगा। बट हाउस लेने का बेनिफिट यही है कि आप ऊपर वाले फ्लोर से अपना रेंट ले सकते हो। ये देखिए पूरी लाइन चाबी है संजय उसमें, और स्टील के डोर दिए हुए हैं। आप जितने भी घर देखने जाइए, हर कोई बिल्डर आपको ये काम करके नहीं देगा। ये देखिए, ये हमने 2-व्हीलर के लिए दिया हुआ, यहाँ पे वाटर स्टोरेज भी है। ये हमारे काम की फिनिशिंग, हम अंडर जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज होते हैं उसकी भी वीडियो हम डालते हैं, और प्लीज आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो आप जरूर देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। बड़ी गाड़ी भी इसमें पार्क हो जाती है। यहाँ से हमने फैंसी लाइट दी हुई है, 3 बॉक्स जो आप देख रहे हो, ये देखिए। ये कोई हमारा सैंपल हाउस नहीं है, आप अगर हमसे 2 BHK लोगे तो 38 अराउंड कॉस्टिंग का पड़ेगा 109 गज में। ये हमने जो जाली वाला दरवाज़ा लिया है, ये देखिए ऑटोमेटिक है, आपको नीचे कोई भी स्टॉपर नहीं लगा हुआ मिला। ये देखिए ऑटोमेटिकली आपने सिर्फ थोड़ा सा पुश किया है, देखो स्टॉप हो गया। यहाँ से हमारा एंट्रेंस है, ये देखिए एंटर करते ही अपना हॉल आ जाता है। कलर जो डिसाइड हुए हैं वो कस्टमर ने ही अपने हिसाब से लगाए हैं। आप भी अगर हमसे घर लेते हो तो आप अपने हिसाब से अपने कलर फाइनल कर सकते हो इसीलिए। ये देखिए फुल फॉल सीलिंग है, इसमें लाइट्स वगैरह करा के दिए हैं। ये आपकी विंडो आ जाती है, पूरे घर में स्प्लिट AC की फिटिंग है।
जो हमारे कस्टमर थे उन्होंने एक छोटा सा बार बनवाया है। आप इजीली इसमें डेकोरेटिव कोई भी चीज रख सकते हो। ये हमारे किचन की फिनिशिंग है। देखिए अगर हम इसको ओपन करते हैं, आपको कोई इसको पुश करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये खुद ही अंदर चले जाते हैं। देखिए आपने थोड़ा सा बस छोड़ देना, ये ऑटोमेटिकली अंदर हो जाते हैं। ये देखिए, अभी एक और मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाने जाऊंगा। ये आपके डबल सिंक आ जाते हैं। सारी फिटिंग ऑटोमेटिकली इजीली यूज़ है। ये देखिए कॉर्नर में, ये कोई भी बिल्डर, आप और घर देखिए, कोई भी बिल्डर ये नहीं करके देगा। ये देखिए स्लोली बाहर निकाला और इजीली हमने छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। ये हाइड्रोलिक ट्रे है, सिर्फ आपने ये देखिए थोड़ा सा पुश करना है क्योंकि इजीली कोई अंदर कॉर्नर में नहीं जा पाता। ये हमारी ट्रे है, थोड़ा सा पुश करिए। ये देखिए हमारा एक ही मकसद होता है, आपको एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी हम दे पाए। ये आपका चिमनी के लिए पाइप दिया हुआ है, देखिए अंदर से फिटिंग है, बाहर से कोई भी नहीं है। वाटर प्यूरीफायर का भी अंदर ही पॉइंट दिया हुआ है। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान जो ख़राब नहीं होता है। किचन में बहुत से मसाले या काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इसको भी इजीली पुश किया और ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अंदर हो जाएगा। ये देखिए ये आपका पूरा किचन विद फॉल सीलिंग। आप एक बार आइए, काम देखिए हमारा, हम अंडर कंस्ट्रक्शन की भी वीडियो डालते हैं, बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। ये देखिए पूरे का पूरे बेडरूम में फॉल सीलिंग है। एसी हम लगा के नहीं देते हैं, कस्टमर ने अपने लगवा लिए हैं। अभी इसकी नेक्स्ट वीक में इसकी पोजीशन है, आप इसको देखिए। ये देखो ये डिफरेंट डिज़ाइन है बिल्कुल, अंदर भी इसमें सनमाइका लगा है, ये इसमें वाइट कलर का है, नेक्स्ट रूम में थोड़ा डिफरेंट कलर का सनमाइका लगा हुआ है। मोस्टली बिल्डर क्या होता है यहाँ पे पेंट कर देते हैं। ये देखिए अगर आप इसको पुश करोगे तो इसमें डबल लॉकिंग सिस्टम है। ये देखिए जोर से नहीं लगेगा, बहुत स्लोली तरीके से लगता है। ये स्लाइडिंग डोर वॉल ड्रॉप्स हैं। ये देखिए कोई भी घर लेता है अपनी मेहनत की कमाई, जो उसने सारी जिंदगी में कमाई होती है वो इसलिए घर लेता है। बट आप थोड़े अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करिए। आपको हाईवे पे लगता है 4-5 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा देने, नेशनल हाईवे से अंदर जाएं वहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, लेकिन नहीं। ये देखिए हमारा वॉशरूम, कोई सैंपल नहीं है, ये एक्चुअल प्रॉपर्टी है जो आपको मिल सकती है। ये देखिए हमने वॉशरूम में भी एक्स्ट्रा काम करके दिया, सीट के ऊपर आपको कबर्ड्स वगैरह जो आपके वॉशरूम में एक्स्ट्रा सामान होता है। ये हैंगिंग सीट है हमारी, ये यहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा सामान कोई भी रख सकते हैं। अभी हमारे पास टोटल 16 हाउसेज हैं इस सोसाइटी में और 9 हमारे सोल्ड आउट हो गए हैं। सिर्फ हमारे पास 7 हाउसेज अभी अवेलेबल हैं। आप कहीं से भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आप इजीली, आप जम्मू से हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, आप हिमाचल से हैं, आप इजीली चंडीगढ़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हमारा LCD पैनल है, ये देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ है, वॉर्डरोब्स वगैरह दिए हुए हैं इसमें भी स्पेस के लिए। पूरी इसमें LED लाइटें, सारा कुछ जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये आपको एज इट इज मिलेगी। अभी और घर हमारे रेडी टू मूव हो रहे हैं नेक्स्ट वीक में, उनकी भी मैं आपको वीडियो की अपडेट्स देता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
इस रूम में भी हमने फाल सीलिंग करवाई हुई है। ये जो एलसीडी पैनल का वर्क है ये एक्स्ट्रा है। ये ड्रेसिंग टेबल है, हमारे दोनों रूम्स में ड्रेसिंग टेबल अवेलेबल है। जो लाइट की फिटिंग है वो हमारी एंकर की है। ये देखिए इसमें नेक्स्ट, ये बिल्कुल डिफरेंट वो है, पैटर्न है फोर रूम्स का। आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर हमसे बाय परचेज करते हैं उसमें आप अपने हिसाब से भी काम करा सकते हैं। लाइक फॉल सीलिंग का कोई डिज़ाइन चेंज करना है, कपबोर्ड्स का कोई डिज़ाइन चेंज करना है, वो भी आप करवा सकते हैं। बड़ा प्यारा सा देखिए आप घर, ये आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है। ये देखिए ये ओपन नहीं है, ये आपको देखो पीछे सिक्योरिटी बेसिस से आपको जालियां लगा के दी हैं पूरी पूरी। वाटर की सप्लाई और इलेक्ट्रिक का एक प्लग भी दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। ये देखिए पूरा घर फुल वीडियो है। आपको कोई भी अगर आप हमसे घर परचेज करते हैं, 2 BHK करते हैं, 3 BHK करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK में भी आपको बिल्कुल एज इट इज़ सेम मिलेगा। सिर्फ AC और 2 बेडरूम के वॉशरूम, 2 बेडरूम के LCD पैनल नहीं मिलेंगे। ये हमारा मेन डोर था। ये देखिए स्टील का वर्क है पूरे घर में। जो आपकी जो स्टेयर्स गई हुई हैं ये स्टील की हैं। ये आपका MC बॉक्स, ये आपकी बालकनी में भी स्टील विद ग्लासेस का वर्क है। सामने जो घर देख रहे हैं इसमें हमारे पास एक ही घर बचा हुआ है, 4 हाउसेस थे ये। ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम किया हुआ है। आप आके लाइव देख सकते हैं, वीडियो देख के डायरेक्ट रास्ता देख के भी आप आ सकते हैं, क्योंकि आप हमसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। कोई ब्रोकर नहीं है, कोई डीलर नहीं है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मेरे पार्टनर का नाम अजय राजपूत है। आपको कोई भी मीट कर सकता है। ऊपर वाले फ्लोर में हम फाल सीलिंग नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यही एक चेंजेस है। ये आपका किचन है, सेम स्पेस में बना हुआ है। ऊपर अभी लाइट का कनेक्शन, लाइटें हमने नहीं लगाई हैं तो, और शाम भी हो चुकी है तो इसलिए थोड़ा अंधेरा है, उस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। किसी और दिन मैं पूरी वीडियो आपको बना के दूंगा, अभी इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस चीज़ के लिए हम माफ़ी चाहते हैं। प्रॉपर बना रखा है। देखिए ऊपर का फ्लोर भी फुल सिक्योर है, जाली वगैरह लगा के दी हुई है। हर रूम में LCD पैनल है। ऊपर वाले फ्लोर में हम फाल सीलिंग नहीं करके दे रहे हैं। ये देखिए एक यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नियर बाय यहाँ से 2 किलोमीटर आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। एक अच्छा पर्पज़, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी आप ये घर ले सकते हैं। घर का ऐसा होता है आप कभी भी फ्यूचर में आप सेल कर सकते हैं। ये देखिए आ गए मेरे ब्रदर, मेरे पार्टनर कस्टमर के साथ। ये
वैसे एक बार नपाई करके देख भी लेना, देख लेंगे अगर छत आप तो होगा तो भी बनाएंगे, नहीं तो यहाँ तो है ही। ये भी ना हमने ये हमने जगह छोड़ी है, इसको ड्रॉप को देख के छोड़ी क्योंकि खुलने के बाद जगह बदल जाएगा, इसलिए जगह इसलिए छोड़ी है ताकि वैसे इतनी हमारी जा भी सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं, हम 200 फुट का फर्क छोड़ देंगे, इतना फर्क छोड़ देंगे, इस इतना जो फर्क बचा इसको हम इधर को खिसकाने में थोड़ा सा वही है जगह, इस लाइफ में तो इंच से भी काफी जगह बन जाती है।